नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, आज हम एक बात करते हैं, एक खास पॉइंट पर, खास बिंदु पर चर्चा करते हैं। बात यह है कि आदमी इस संसार में बहुत दुखी भी है, बहुत सुखी भी है, कोई मध्यम दुखी है, कोई दुखी है ही नहीं, कोई सुखी है ही नहीं, किसी को सुख और दुख का पता ही नहीं। और कोई सुख और दुख दोनों को इतना रियलाइज करता है, इतना महसूस करता है, इसकी कोई सीमा ही नहीं। तो इस प्रकार से आदमी कई खंडों में विभक्त है, सुखों में विभक्त है, कम सुखों में विभक्त है, और अधिक सुखों में विभक्त है, दुखों में विभक्त है, टुकड़े 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 हो गया, टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह आदमी टुकड़े टुकड़े हो गया, है ना। ये सब एक विशेष कारण से भी होता है, हालांकि इसके बहुत सारे कारण होते हैं, ग्रह नक्षत्र हो सकते हैं, आपका पूर्व जन्मों के पाप हो सकते हैं, पूर्व जन्मों के कर्म हो सकते हैं, अच्छे कर्म हो सकते हैं जिनके कारण सुख पा रहे हो, बुरे कर्म हो सकते हैं, वर्तमान के अच्छे कर्म हो सकते हैं, बुरे कर्म हो सकते हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो आपके कर्मों को इस जीवन में परिणित करती है अच्छे या बुरे कामों में। अच्छे या बुरे आपके साथ हो, इसके लिए आपके कर्म उत्तरदायी हैं, आपके नक्षत्र ग्रह उत्तरदायी हैं, आपके जन्म कुंडली उत्तरदायी हैं, आपके लिए जो आशीर्वाद मिलते हैं, जो श्राप मिलते हैं वो भी उत्तरदायी हैं। कभी कभी मान लो जैसे आप बस में यात्रा कर रहे हो, एक प्रेग्नेंट लेडी खड़ी है, बड़ी दुख पा रही है, आप सीट ही नहीं छोड़ रहे हो, तो वो आपको कहेगी तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन उसके अंतर आत्मा से, अंतश्चेतना से एक श्राप विसर्जित होता है, वो श्राप आपको लगता है, उसके कारण से आप बहुत परेशान होते हो। छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिसके कारण हम इस संसार में दुखी हो जाते हैं, दंड भोगते हैं, और छोटे छोटे बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण हम इस संसार में सुखी होते हैं, ऐश्वर्य भोगते हैं। तो आज हम एक खास बात पर चर्चा करते हैं कि उनमें वो चीज भी खास है। क्या चीज खास है? कि आपका जो नाम है, ये नाम आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है, और यही नाम अगर थोड़ा सा गलत हो तो आपको आसमान से जमीन पर भी पहुंचा सकता है। बात उन दिनों की है जब मैं मसूरी में था, और ये घटना है 2012 की। 2012 में मसूरी में मैं एक पंडित जी की या मेहमान था। पंडित जी काफी प्रतिष्ठित थे, काफी नामवर थे, और फिल्म स्टारों के पंडित थे। फिल्म स्टारों में उनका चर्चा था, और वो फिल्म स्टारों में जो नाम होता है ना, ए ए ए पीछे जोड़ेगा, एच जोड़ेगा, एच हटाएगा, आर हटाएगा, ऐसा नाम बनाएगा, ये सब और सब उन्हीं का किया जा रहा था, वो ये सब बहुत करते थे। नाम था गोविंद बल्लभ जी। गोविंद बल्लभ जी काफी जाने माने पंडित थे और ज्योतिष में बड़े माहिर थे, अच्छी पकड़ थी उनकी। तो उनके घर एक रात मेहमान था, तो बातों बातों में उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि आपका जो नाम होता है, ये नाम आपको जमीन के अंदर भी पहुंचा देता है और आसमान के ऊपर भी पहुंचा देता है। आपका नाम ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक बार आपका नाम सुन ले तो आपको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं हो, और नाम आपका ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक बार आपका नाम सुन ले तो आपको वो नाम के कारण, वो नाम के थ्रू आपका दीवाना हो जाता है, आपसे मिलना चाहता है। ये बड़ा पवित्र है। इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि नाम के साथ आपकी मैचिंग होनी जरूरी है। आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, आपकी कुंडली के भाग्येश, आपके कुंडली के जो लग्नेश, इन सब की मित्रता आपके नाम के अंक के साथ होनी जरूरी है। अगर नहीं होती है तो नाम का अंक आपको हानिकारक। यदि मूलांक के साथ आपके नाम के अंक की मित्रता नहीं होती, आपका जो नामांक बनता है उसकी मित्रता नहीं होती, तो आपको शारीरिक कष्ट जिंदगी भर भोगना पड़ेगा, शारीरिक कष्टों से गुजरना पड़ेगा। आप मेहनती हो सकते हो, बागी भी अच्छा हो सकता है, लेकिन शारीरिक कष्ट तो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा, मान सम्मान आपको कहीं नहीं मिलेगा। कितनी मेहनत कर लो, कितना ही कुछ कर लो, जहां मान मिलना है एरावत हाथी के बराबर, वहां मान मिलेगा चूहे के बराबर। इस तरह से आपको परेशानी भोगनी पड़ेगी। यदि आपका नामांक आपके भाग्यांक का शत्रु है या भाग्येश का शत्रु है, तो आप किसी भी काम को कर लो, हर काम गैस पॉइंट पर जाके, नाम पर जाकर के गायब हो जाएगा, अड़ जाएगा, होगा ही नहीं, आगे पूरा ही नहीं होगा। आपके कामों में ऐसी ऐसी बाधाएं आएगी, आप सोच नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी बाधाएं आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आपके हर काम अटकते जाएंगे, सफलता संदिग्ध हो जाएगी, और आप मानसिक रूप से दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, प्रताड़ित हो जाओगे। उन्होंने बताया कि ये जो नाम के अंक जो होते हैं, इनको ठीक करना है, आगे पीछे करना है, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद में आपका नाम
निकाला जाता है तब आपके लिए वो सूटेबल होता है। क्योंकि छोटी सी कोई साइकिल होना तो उसे कोई भी गली में से निकाल सकते हैं आराम से, लेकिन आप गली में ट्रक डाल रहे हो तो बड़ा सोच समझ के डालना पड़ेगा, बहुत लंबी चौड़ी होती है, इधर न छू जाए उधर न छू जाए, किसी का छज्जा नहीं टूट जाए, किसी की चबूतरी नहीं टूट जाए, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जो नाम बदलने वाली क्रिया है, जिस नाम को आप ज्योतिष के अंतर्गत एकदम परिपक्व करना चाहते हो, इसमें चारों तरफ से पूरी सावधानी के साथ इस नाम को मत करके निकालना पड़ता है, बहुत मेहनत होती है। अगर कोई आदमी इतनी मेहनत नहीं करना चाहता कि भाई अब इसके लिए तो एक उत्तम कोटि का ज्योतिषी चाहिए, उत्तम कोटि का ज्योतिषी जिसे ज्योतिष का पूर्ण और बहुत अच्छा ज्ञान हो, जो मर्मज्ञ हो ज्योतिष का, भाई ये काम कर सकता है, किसी के तो काम बस की बात है नहीं। तो एक काम ऐसा है जिससे आप अपने नाम को सिद्ध कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो का अर्थ है कि आपका नाम ऐसा हो जाएगा कि जो आपका नाम सुनेगा एक बार में सुनते ही आपका दीवाना हो जाएगा, क्योंकि भाग्येश मूलांक ये जितने भी हैं भाग्यांक ये सब के सब एक लेवल में अपने आप चलने लगेंगे, सारी की सारी ऊर्जा एक लेवल में एक धार में चलना शुरू हो जाएगी यदि आप अपने नाम को सिद्ध कर लेते हैं। तो आप अपने नाम को कैसे सिद्ध करते हैं ये गोविंद वल्लभ जी हमको बताते हैं, और गोविंद वल्लभ जी जो बताते हैं वो बात एज इट इज मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि आपका इष्ट कौन, कोई एक ऐसा देवता 33 कोटि हो, 33 करोड़ हो, कितने ही देवी देवता इस संसार में हो, काली हो, भैरव हो, दुर्गा हो, हनुमान जी हो, पितर जी हो, बाबू जी हो, कोई भी हो, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, किसी का भी नाम ले लो, एक देवता आपका इष्ट देव होना चाहिए। इष्ट देव का अर्थ है कि जब अचानक आप गिरे, आपको चोट लगी, चोट लगते जिसे कोई मां कहता है ना, वैसे ही कोई अपने इष्ट देव का नाम सबसे पहले लेता है। जिससे मुझे चोट, कोई भी अचानक परेशानी हो, मान लो मैं कहता हूँ कि हे हनुमान बाबा, हे बजरंगबली, तो मेरा बजरंगबली इष्ट है, चाहे मैं लाख बाकी 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करता होऊंगा, लेकिन हनुमान जी मेरा इष्ट है। अब जो इष्ट है, प्रखर इष्ट है, उस इष्ट को यदि आपने प्रबल किया है, मजबूत किया है, अच्छी तरह से उसकी साधना की है, पूजा की है, तो इष्ट आपके काम आएगा। तो अब करना क्या पड़ेगा, अब करना यह पड़ेगा कि आपका जो भी नाम है, आपका जो भी नाम है, मान लो आपका नाम है कमल, क्या नाम है, कमल, कमल, आपका नाम है कमल, ठीक है। अब कमल नाम के आगे और कमल नाम के पीछे आप अपने इष्ट देव का नाम लगा दो। इष्ट देव का क्या नाम, मान लो हनुमान जी है, तो मैं लगाता हूं जय हनुमान, जय हनुमान, और इधर भी जय हनुमान, ये हो गया जय हनुमान, जय हनुमान, इन दोनों नामों का संपुट लग गया। अब ये एक मंत्र बन गया, समझ गए बात को, ये एक मंत्र बन गया। अब इस मंत्र का क्या करना है, इस मंत्र का आपको दिन में 3 बार जपना है, 3 बार इस मंत्र को जपना है। एक माला चाहे कोई भी हो, किसी भी चीज की हो, माला हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इस मंत्र को दिन में 3 बार आपको जाप करना, जय हनुमान कमल, जय हनुमान, जय हनुमान कमल, जय हनुमान, समझ गए बात को। आपका जो भी इष्ट हो बीच में दोनों तरफ संपुट उनके लग जाएंगे और आपका नाम शुरू हो जाएगा। इससे आपका नाम धीरे धीरे करके सिद्ध होगा। इस नाम को आपको रात को सोते समय, इधर आप सो रहे हैं, इधर इधर नींद आ रही है, जागृति जा रही है, दोनों का जो मध्य बिंदु होता है, उस मध्य बिंदु के बीच आपको इस नाम को, इस मंत्र को जपना है। अब यदि ऐसा हो कि आपके साथ आपका कोई इष्ट देव हो ही नहीं और आप कई देव देवी देवताओं में बट गए हो, बंटवारा, कभी इसके प्रसाद चढ़ाते हो, कभी उसके भोग लगाते हो, कभी उसका नाम लेते हो, कभी और गिर गए पड़ गए तो भी आपको किसी देवी देवता का नाम पक्का आएगा, जरूरी नहीं। तो आपका इष्ट अगर कन्फर्म नहीं है तो आप इस जमेले में मत पड़ना, क्योंकि फिर आपके लिए काम करना नहीं है, नहीं काम करेगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको एक मैं मंत्र देता हूं, और वो मंत्र इतना सुपीरियर मंत्र है, इतना सरल मंत्र है कि उस मंत्र के द्वारा यदि आप अपने नाम को सिद्ध करते हो तो आपका नाम इतना फर्स्ट क्लास, इतना जबरदस्त सिद्ध होगा कि एक बार जो भी कोई बंदा आपका नाम सुन लेगा वो आपका दीवाना हो जाएगा, आपसे मिलना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा, और आपके मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलेगी जो सामने वाले को प्रभावित करती हो, आपके मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलेगी जिससे आपको लाभ होता हो, ऐसी बातें निकलेगी जिससे आपके अंदर की सुंदरता बाहर प्रकट होती हो, ऐसी ऐसी ऐसा सामने वाले पर प्रभाव पड़ेगा कि आपको देखते ही आप उसके अंदर आपके प्रति सम्मोहन पैदा होने लगेगा,
तो वो मंत्र आज मैं बताता हूं, उस मंत्र का विपरीत करण करके संपुट दोनों तरफ लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है आप सीख लो, उसके बाद में आपका नाम एकदम आदर से लिया जाएगा, इज्जत से लिया जाएगा, शालीनता से लिया जाएगा, चाहे आप गांव के एक साधारण आदमी हो या शहर के एक बिल्कुल ही सामान्य व्यक्ति हो, तो भी आपका नाम एकदम शालीनता से लिया जाएगा। देखिए आज हम बात करते हैं उसी मंत्र की, जिस मंत्र से आप ये करामात कर सकते हैं। इनको हम हटाते हैं, है ना, इनको हटा दिया। अब आपके सामने है एक नाम, मान लो कमल नाम है, और किसका दे, अपना ही देंगे, नहीं तो देने से लोग नाराज हो जाते हैं, हमारा नाम कैसे लिया, कमल नाम ले लिया ना। अब कमल नाम के क्या करना है, आगे और पीछे एक खास मंत्र है, उस मंत्र को जोड़ देना है। मंत्र है ओम एम रिम क्लिम सिम, ओम एम रिम क्लिम सिम। अब समझ गए, इस मंत्र को आगे जोड़ना है। अब पीछे कैसे जोड़ना है, पीछे वापस रिम से शुरू करना है, तो बीच में कमल आ गया, कमल। अब कमल के बाद में आपको लिखना है श्रीम क्लीम हरिम एम ओम। आप समझ गए बात को, श्रीम रिम श्रीम क्लीम क्रीम एम, श्रीम क्लीम क्रीम एम ओम, ये पूरा मंत्र हो गया। पूरा मंत्र कैसे हुआ, ओम एम रिम क्लिम श्रीम कमल श्रीम क्लिम रिम एम, ये पूरा मंत्र हुआ। इस पूरे मंत्र को आप दिन में 3 बार चेंटिंग करेंगे, जाप करेंगे। 3 बार जाप करने के बाद में आप रात को सोते समय 1 बार याद करेंगे, और दिन में उठते समय अर्ली मॉर्निंग प्रभात में आप 1 बार याद करेंगे। तो इस तरह से याद करेंगे ना, तो आपका यह मंत्र आपका यह नाम सिद्ध हो जाएगा, और इतना कई गुना आपको लाभ होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जय श्री कृष्ण मित्रों।